सो गाइस, अगर आप भी शॉपक्लूज पर शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शॉपक्लूज के द्वारा एक ऐसा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से लोग अपने लाखों रुपए जो हैं गंवा रहे हैं, और किस तरीके से गंवा रहे हैं सभी बातों पे मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्रॉड क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आप लोगों ने अगर कभी भी शॉपक्लूज से शॉपिंग किया है तो ओबियसली आपने अपने वहाँ पर मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ तो फिल किया ही होगा। तो वहाँ से जैसे ही आपने फिल किया है तभी आपके पास कोई प्रोडक्ट आया है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास शॉपक्लूज ने जो प्रोडक्ट भेजा है वहाँ से भेजने से लेकर के आपके घर तक आने तक इसमें कितने सारे लोगों का हाथ होता है। एग्जांपल के लिए, जो प्रोडक्ट आपको भेज रहा है बंदा, वो पहले वेयर हाउस भेजेगा, वो वेयर हाउस से जो है कुरियर वाले के द्वारा जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो जो भी सिटी है आपका वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से आपके एरिया वाले लोकेशन में, फिर आपके एरिया वाले लोकेशन से आपके इधर जो जो भी डिलीवर बंदा करता है उसके पास, यानी कि काफ़ी जगह वो घूम करके आता है। तो इसी बीच में कोई ऐसा बंदा है दोस्तों जो कि इन चीज़ों का जो है मिसयूज़ कर रहा है, वो जो इन डिटेल्स को जो है स्कैमर्स को सेल कर रहा है, और स्कैमर्स इसका फ़ायदा किस तरीके से उठा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों स्कैमर्स के पास जो है आपका नाम, मोबाइल नंबर और जो एड्रेस है वो बंदा सेल कर देता है, और स्कैमर्स उन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके एक सर्टिफिकेट और एक स्क्रैच कार्ड बनाता है, और इसमें मेंशन होता है कि आपने जो है ये चीज़ें जीत लिया है, और आपके पास जो है वो स्क्रैच कार्ड सर्टिफिकेट को और लेटर को जो है भेज देता है, जिससे आपके पास वो पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हकीकत में जो है शॉपक्लूज़ की तरफ से ही मैं जीता हूँ, लकी ड्रॉ विनर हुआ हूँ, और मैं जो है लाखों रुपये जीत गया हूँ। प्लस मैं स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पे आपको दिखता है वहाँ पर मोटा अमाउंट, यानी 10-12 लाख रुपए या फिर कोई कार टाटा सफारी है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगता है भाई ये तो बिल्कुल शॉपक्लूज नहीं भेजा है, और यहाँ पर सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग ये कर देते हो दोस्तों कि जब आपके पास वो स्क्रैच कार्ड आता है, वो लेटर आता है, सब कुछ आता है, तो आप शॉपक्लूज कंपनी को कॉल करना दूर की बात, वहाँ पर जो लेटर पर लिखा हुआ रहता है उस पर सीधे कॉल कर देते हो। और वह स्कैमर्स भी दोस्तों आपको यही कहता है कि हाँ भाई हम तो शॉपक्लूज की कंपनी से ही बात कर रहे हैं, हेड ऑफिस ब्रांच से बात कर रहे हैं, आप जीत चुके हो, मुबारक हो, ये हो वो हो, आप इस डिटेल को जब तक आपके पास प्राइस अमाउंट नहीं पहुंच जाए भाई किसी के साथ शेयर मत करना, तरीके से बातें बना करके भाई आपको जो है वो आपका माइंड जो है भाई इतना ज़्यादा वो कर देता है उस तरीके का कि ना अपने दोस्तों में बताओगे ना अपने रिलेशन वाले बंदों को बताओगे, आप जो बस ये माइंड में भर लेते हो कि भाई मुझे ये अमाउंट को हासिल करना है, उसके बाद ही सबके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई सब जलते हैं उससे, ये वो। और इस तरीके की बातें सोच करके भाई आप बिल्कुल भी जो है किसी साथ डिस्कस नहीं करते हो, क्योंकि भाई माइंड में एक चीज चलती रहती है ना, अरे इसको क्यों बताऊंगा यार, ये जलता है मुझसे, ये मना करेगा, ये कहेगा, ये वो कहेगा, पहले ले लेते हैं पैसा उसके बाद बोलेंगे, तो इस तरीके का माइंड में आता है भाई, और इसके बाद जो है हमारे साथ फ्रॉड होना चालू होता है। जब उस बंदे को कॉल करते हैं, बंदा हमसे कहता है कि आपको जो है प्राइज अमाउंट जो भी लेना है अगर, तो आपको एक चार्जेस देना होगा, उस चार्जेस को कहते हैं TDS। तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है जो भी आपने अमाउंट जीता है या फिर जो भी आपके अकाउंट जो है मोटा अमाउंट आपके अकाउंट में आने वाला है उस पर आपको सरकार को कुछ टैक्स देना होता है, उसे TDS कहते हैं, टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स। तो वो भाई आपको इसी चीज़ का बात बता करके कि भाई सरकार को जाता है, हम लोग को तो नहीं जाता, और इस तरीके से जो है बोल करके आपसे वो टैक्स के नाम पर जो है पैसा ले लेता है, और पैसा भाई वो अमाउंट लेता है, मान लीजिए 10% ऐसे कहेगा, 10% टैक्स लगेगा या 18% लगेगा, इस तरीके से बातें घुमा करके आपसे जितना वो लूटना चाहे लूट लेता है। उसके बाद वो जो है आप जब उसको कॉल करते हो, सर हमारा बैलेंस कब आ रहा है, तो फिर से वो आपको यही बात कहता है कि अब जो है कोई दूसरा टैक्स लग रहा है, वो भी टैक्स आपको क्लियर करना होगा, तभी आपके अमाउंट जो है अकाउंट में जाएगा, आपका अकाउंट में जो है बैलेंस नहीं जा पा रहा है ये टैक्स की वजह से, ये टैक्स को जल्दी से क्लियर कीजिए, 20-22 हज़ार, 25 हज़ार रुपये अमाउंट होता है, ये इसको डालिए जल्दी से आप, और उसके बाद आपके अमाउंट जो मैं भेज रहा हूँ यहाँ से अभी जाने वाला है, बस आप टैक्स डालिए और तुरंत जो है आपके अकाउंट में हम डलवा रहे हैं। तो इस तरीके से 2-3 बार वो टैक्स 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 के नाम पर जो है आपसे पैसे लूट लेता है। इसमें दोस्तों शॉपक्लूज का कहीं से भी हाथ नहीं है, यहाँ पे जो है मान लीजिए शॉपक्लूज की वेयर हाउस से लेकर के यहाँ आपके पास आने तक जो भी बंदे बीच में आपके पास जो सामान को भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनमें से किसी का हाथ है जो कि इस तरीके के स्कैमर्स को आपके डेटा को सेल करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा लेटर आए इसमें ये लिखा हुआ रहे कि आपने लाखों रुपए जीत लिए हैं और या फिर कार्ड जीत लिया है, स्क्रैच कार्ड में ये हो, तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में ज़रूर बातें शेयर करें, और साथ ही अगर आपके नियरेस्ट में कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर ज़रूर FIR करें कि इस तरीके का लेटर किसने भेजा है, कहाँ से आया है, ताकि वो स्कैमर्स भी पकड़े जा सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।